धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, चक्री टूट गई। सन 1976 की बात है, मैं घास काटने वाली मशीन में घास लगा रही थी। उस समय बैलों की मदद से वह मशीन चलती थी। मेरे बाल बहुत लंबे थे, अचानक मेरे बाल मशीन में फंस गए और धीरे धीरे मेरा सिर मशीन के अंदर जाने लगा। उस समय मैंने नारा लगाया और परमपिता जी से सहायता के लिए प्रार्थना की। अचानक मशीन की चक्री टूट गई और धीरे धीरे मैंने अपना सिर बाहर निकाल लिया। मैं बिल्कुल सुरक्षित थी और हैरानीजनक बात यह थी कि मेरे बाल भी ज्यों के त्यों रहे। इस प्रकार सतगुरु ने मेरी सहायता करके जान बचाई। 14 साल बाद लाल पैदा हुआ। सन 1976 में परमपिता जी उत्तर प्रदेश में सत्संग करने के लिए गए। रात को परमपिता जी हमारे घर पर ठहरे। परमपिता जी के दर्शन करने के लिए घर पर काफ़ी संख्या में संगत इकट्ठी हो गई। मैंने परमपिता जी से अरदास की कि पिताजी, संगत आपके दर्शन करना चाहती है। परमपिता जी ने फरमाया, बुला लो संगत को। सभी को परमपिता जी ने वचन फरमाए, आप सभी 5 मिनट सुमरण करो, आपकी जो भी जायज मांग होगी मालिक जरूर पूरी करेगा। यह सुनकर सभी सुमरण करने लगे। 5 मिनट बाद परमपिता जी ने सभी को प्रसाद दिया और जाने की आज्ञा दी। समय अनुसार सभी की जायज मांगें पूरी हो गई। उनमें से एक सत्संगी जिले सिंह गांव घटौली ने एक दिन आकर बताया कि उसकी मांग के अनुसार उसके छोटे भाई के 14 साल बाद लड़का पैदा हुआ। इस प्रकार परमपिता जी के वचनानुसार सभी की मांगें पूरी हुई, एहसास करवाया। सन 1984 की बात है, मैं देसी खांड बनाने वाली भट्टी पर काम करता था। एक दिन मैं दोपहर के समय खांड की चाशनी बना रहा था। वहां दीवार के साथ भट्टी पर चाशनी का बड़ा कड़ाहा उबल रहा था। चुनाव का समय था, इसलिए कुछ गाड़ियां चुनाव का प्रचार करती हुई वहां से गुजर रही थी। मैं उन गाड़ियों को देखने के लिए कड़ाहे के पास वाली 6-7 फुट ऊंची दीवार पर चढ़ गया। दीवार पर खड़े खड़े अचानक मेरा पैर फिसल गया। ज्यों ही मैं उस कड़ाहे में गिरने वाला था तो मैंने अपने मुर्शदे कामल परमपिता शाह सतनाम सिंह जी को याद किया। उसी समय मुझे एहसास हुआ कि परमपिता जी ने मुझे पकड़कर कड़ाहे से 3-4 फुट दूर आराम से बैठा दिया। परमपिता जी की मेहर से ही मुझे खरोंच तक भी नहीं आई। इस प्रकार प्यारे मुर्शद ने मेरी जान बचाई। अच्छा, ये खराबी थी। सन 1986 की बात है, उस समय हम करनाल में रहते थे। हमारे पास एक कार थी। एक रात सोते समय स्वप्न में परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने मुझे दर्शन दिए और वचन फरमाए, बेटा उर्मिल, कार में खराबी है, इसे ठीक करवा लो, वरना कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी तथा काफ़ी नुकसान हो सकता है। मैं उसी समय उठी और स्वप्न वाली सारी बात अपने पति को सुनाई। उन्होंने उठकर उसी समय गाड़ी को चालू करके देखा और आगे पीछे करके देखा, परंतु कोई खराबी नज़र नहीं आई। फिर यह सोचकर लेट गए कि सुबह देखेंगे। मेरे ध्यान में बार बार परमपिता जी के वचन ही आ रहे थे। मैं सोच रही थी कि गाड़ी में खराबी ज़रूर है, क्योंकि परमपिता जी के वचन हुए हैं। मेरे पति ने सुबह उठकर गाड़ी का निरीक्षण किया, परंतु कोई खराबी नज़र नहीं आई। हम सारा दिन परेशान रहे। दिन के 2 बजे एक तार आया, जिसमें मेरे पति को
किसी सरकारी कार्य के लिए भिवानी जाना था। अब तो हमारी चिंता और भी बढ़ गई क्योंकि गाड़ी लेकर भिवानी जाना था। परम पिता जी के वचन हुए हैं कि गाड़ी में खराबी है और खराबी का पता नहीं लग रहा है। हमने मन ही मन परम पिता जी के चरणों में अर्ज की कि पिताजी हमें गाड़ी में कोई खराबी नज़र नहीं आ रही, आप ही बताएं। कुछ देर के बाद हमने गाड़ी के चारों तरफ चक्कर लगाया और गाड़ी से 10 फुट दूर जाकर गाड़ी के सामने खड़े होकर देखा। एकाएक हमारी नज़र गाड़ी के बाईं तरफ के पहिए पर पड़ी जिसके चारों नटों में से 3 गायब थे और चौथा भी निकलने ही वाला था। इस प्रकार परम पिताजी की रहमत से हमें गाड़ी की खराबी का पता चल ही गया। फिर हमने अपनी गाड़ी को ठीक करवाया तथा परम पिताजी का बेहद शुक्राना किया। परम पिताजी की इस रहमत से हम एक भारी मुसीबत से बच गए। दृष्टि बनी दवा। एक बार मेरे पौत्र को लकवा हो गया था। उसके इलाज पर लगभग 20-25 हज़ार रुपए खर्च हो चुके थे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। एक दिन मेरी पुत्र वधु ने मुझसे कहा कि पापा जी, अपने यहाँ 3 लड़कियों के बाद लड़का पैदा हुआ और इसकी भी हालत बिगड़ती ही जा रही है, आप आश्रम में जाकर परम पिताजी के चरणों में अर्ज क्यों नहीं कर लेते जिससे हमारा बच्चा ठीक हो जाए। मैंने अपनी पुत्र वधु को कहा कि बेटा, परम पिताजी सभी के दिलों की जानने वाले हैं और बिना मांगे ही अपने बच्चों की मांग पूरी कर देते हैं। यह कहकर मैंने उसे तसल्ली दे दी। उन्हीं दिनों शाह सतनाम जी आश्रम बरनामा में सत्संग था। हमारा सारा परिवार शनिवार को आश्रम में पहुंच गया। शाम को मजलिस में परम पिताजी जब स्टेज पर विराजमान हुए तो एक सेवादार को यह हुक्म फरमाया, राम स्वरूप दिल्ली वाले को बुलाओ। संदेश पाकर मैं परम पिताजी के चरणों में हाजिर हो गया। मेरी पुत्र वधु ने मेरे पौत्र को भी मेरे पीछे पीछे भेज दिया जो कि लंगड़ाते हुए आ रहा था। परम पिताजी ने उस पर अपनी पावन दृष्टि डालते हुए मुझसे पूछा, यह तुम्हारा पौत्र है? मैंने कहा हाँ जी। परम पिताजी ने मुझसे फिर पूछा, यह लंगड़ा कर क्यों चल रहा है? मैंने विनती की कि पिताजी, इसको लकवा हो गया है, हमने इसका बहुत इलाज करवाया परंतु यह ठीक नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि इसे तीतर का मांस खिलाओ, ठीक हो जाएगा। इस पर शहनशाह जी ने वचन फरमाया, इसको तो कुछ भी नहीं हुआ है, एक आधे महीने में ठीक हो जाएगा। अपने यहाँ मांस खाने की शिक्षा नहीं देते, तुम फिक्र ना करो, इसको कोई दवाई ना दिलाना। वचन मानते हुए हमने अपने पौत्र को कोई भी दवाई नहीं दिलवाई और परम पिताजी की दया मेहर से ही वह 1 महीने के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक हो गया। जैसे ही गाड़ी पलटी, एक बार मेरा भाई अपने रिश्तेदारों के साथ गाड़ी में हरिद्वार से वापस आ रहा था। गाड़ी में 13 सवारियां थी। रास्ते में एक सांड के साथ उनकी गाड़ी की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि गाड़ी 3 पलटे खा गई। उसी समय राजकुमार ने ऊंची आवाज़ में नारा लगाया, क्योंकि कुल 13 सवारियों में से केवल मेरे भाई ने ही सच्चा सौदा आश्रम से नाम लिया हुआ था। परम पिताजी की दया से किसी को खरोंच तक नहीं आई। सभी ने राजकुमार का धन्यवाद किया और कहने लगे कि अगर आज तू हमारे साथ ना होता तो हम बच नहीं सकते थे। दुर्घटना के बाद मेरे भाई ने बताया कि जब हमारी गाड़ी पलटे खा रही थी तो मुझे परम पिताजी के दर्शन हुए। कुछ दिनों के बाद
उसने सरसा आकर सारी बात परम पिता जी को बताई। शहनशाह जी ने फरमाया, भाई वह सांड काल का रूप था, मालिक ने तुझे अपनी रहमत से बचाया है। पिस्तौल नहीं चली, अक्टूबर 1991 की बात है। मैं दिल्ली में बाजार से सामान खरीद कर रिक्शा द्वारा बस स्टैंड की ओर आ रहा था। मेरे पास एक थैला था जिसमें कुछ सामान व 15,000 रुपये थे। अचानक मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्तियों ने सामने आकर रिक्शा रोक लिया। एक व्यक्ति ने मुझे गले से पकड़ लिया और दूसरे ने मेरा थैला छीनने की कोशिश की। मैंने एक को ठोकर मारी व दूसरे को घूंसा, जिससे वे दोनों एक तरफ हो गए। मैं अभी संभला भी नहीं था कि तीसरे ने मेरी तरफ पिस्तौल तान ली। उस समय मुझे अपने सतगुरु के सिवाय कोई दूसरा मददगार नज़र नहीं आया। मैंने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया। उसने पिस्तौल चलानी चाही परंतु पिस्तौल नहीं चली। उसी समय मुझे परम पिता जी की मीठी आवाज़ सुनाई दी कि बेटा घबराना नहीं, हम अभी आए। तभी तक एक भाई हाथ में लोहे की रॉड लेकर भागते हुए मेरे पास आया। उसे देखकर वे सभी डर कर भाग गए। मैंने उस भाई से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर ये लोग मुझे लूटने आए थे। उस भाई ने मुझे धैर्य बंधाते हुए बताया कि मेरी वर्कशॉप यहाँ से 0.5 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर एक बुज़ुर्ग बाबा आए जो जीप में सवार थे। उन्होंने मुझे बताया कि पुल के पास बदमाशों ने एक आदमी को घेर लिया है, तुम जाकर उसकी रक्षा करो। मैं अपना फर्ज समझता हुआ वहाँ से भागा। तब मैंने उससे पूछा कि वे बाबा जी देखने में कैसे थे। उसने जो हुलिया बताया वह बिल्कुल मेरे सतगुरु से ही मेल खाता था। मैं समझ गया कि वो कोई और नहीं बल्कि सतगुरु परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज स्वयं ही थे, जिन्होंने मेरी रक्षा के लिए इस भाई को भेजा है। धन्य है मेरा सतगुरु जिसने मुझे उन बदमाशों से बचाया। दीन दुखियों का सहारा सतगुरु प्यारा। सन 1975 में हमारी ढाणी में परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था। सत्संग के दौरान ही परमपिता जी ने सारी साध संगत को फरमाया, सारी साध संगत इसी तरह ही बैठे रहो, किसी ने भी उठना नहीं, हम अभी आते हैं। उक्त वचन फरमाने के बाद परम पिता जी पूर्व दिशा की ओर चले गए। जब परम पिता जी 3 एकड़ दूरी तक गए तो वहां कपास की फसल में एक व्यक्ति बेहोश पड़ा था। वह व्यक्ति पास के गांव हांडी खेड़ा सरसा का निवासी था। उसे मधुमक्खियों ने काट लिया था। उस समय परम पिता जी के साथ सेवा समिति वाले कुछ सेवादार भी थे। परम पिता जी ने उस व्यक्ति को वहां से उठवाया और उसका इलाज करवाया। इस प्रकार घट घट की जानने वाले सतगुरु मुसीबत में फंसे प्रत्येक इंसान की रक्षा करते हैं। 5 बेरों का प्रसाद। एक बार परम पिता जी ने मेरी पत्नी से पूछा, बेटा प्यारी गिरधारी के कान को क्या हुआ है? उस समय मेरे बेटे गिरधारी का कान पका व गड़ा हुआ था, ठीक नहीं हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि कान टूट कर गिर जाएगा। उसने परम पिता जी को उपरोक्त सारी बात बताई। परम पिता जी ने उसे अपने पास बुलाया और 5 बेर प्रसाद के रूप में दिए और फरमाने लगे, 5 बेर इसे खिला दो। परम पिता जी के वचनानुसार उसे वह प्रसाद खिलाया गया। कुछ दिनों के बाद उसका कान बिना किसी दवाई के ठीक हो गया। मालिक तेरे साथ है। सन 1986 की बात है। मैंने अपनी लड़की की शादी रखी हुई थी। 3 दिन बाकी रह गए थे। मेरा दिल एक बात से
काफ़ी उदास था। मैं सोच रहा था कि शादी भी रख ली और जेब में पैसा भी नहीं है, अब क्या करूं। मैं अपनी समस्या लेकर परम पिताजी के पास सरसा आश्रम आया। उस समय परम पिताजी मजलिस के बाद गुफा में जा रहे थे। मैंने उनकी हजूरी में सारी समस्या कह सुनाई। इस पर परम पिताजी ने प्रसाद देते हुए फरमाया, बेटा घर जाकर सुमरन कर, मालिक तेरे साथ है और जितनी चादर है उतने ही पैर पसारना। मैंने कहा, पिताजी मुझे तो केवल आपका ही सहारा है। परम पिताजी से आशीर्वाद प्राप्त करके मैं खुशी खुशी घर लौट आया और सारी रात सुमरन किया। सुबह जब मैं उठा तो मेरे भाई सहानुभूति दिखाते हुए कहने लगे कि तुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा काम हम करेंगे। यह कहकर वे मुझे अपने साथ बाजार से शादी का सामान खरीदने के लिए ले गए। हमने सारा सामान खरीद लिया। सतगुरु जी की रहमत से सारा प्रबंध सुगमता से होता चला गया और विवाह बड़े ही अच्छे ढंग से संपन्न हो गया। सतगुरु की आवाज़, यह बात 5 जनवरी 1983 की है। हम पति पत्नी डेरा सच्चा सौदा बरनामा में 4-5 दिन की सेवा करने के बाद शाम को घर आए थे। कड़ाके की सर्दी होने के कारण मैंने चारपाई के पास हीटर लगा लिया। थकावट होने के कारण हमें शीघ्र ही नींद आ गई। कुछ समय बाद मुझे एक आवाज़ सुनाई दी कि बेटा आग लग गई है, खड़ी हो जा। मैंने आवाज़ को भ्रम समझकर अनसुना कर दिया और फिर सो गई। फिर मुझे आभास हुआ कि किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खड़ा कर दिया और आवाज़ दी, बेटा रजाई में आग लग गई है और तू सोई पड़ी है। मैंने आंखें खोली तो देखा कि परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज मेरे सामने खड़े थे और आशीर्वाद देते हुए अदृश्य हो गए। मैंने देखा कि रजाई में आग लगी हुई थी। मैं उसी समय उठी और अपने पति को भी उठाया। हमने पानी से उस आग को बुझाया। इसी प्रकार सही समय पर पहुंचकर खुद मालिक परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने हमें आग में जलने से बचाया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।